हेलो दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है ट्रू मोटिवेशन, सही मोटिवेशन कैसे पाए। दोस्तों, बहुत सारे यंगस्टर जो है उसका ये प्रश्न है आजकल कि भी हम लोग जो है बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस जो है, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, मगर जो है हम लोग फिर भी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो है मोटिवेशन जो है कुछ देर के लिए तो हमें मिलता है, मगर फिर जो है आगे जाके जो है हम वो चीज़ भूल जाते हैं, या तो वो जो है हमें इन प्रैक्टिस जो है नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ कि मोटिवेशन की ज़रूरत कब है। जब आप अपसेट है, या तो आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आप जो है मेंटली जो है भयभीत हुए हैं, फॉर एग्जांपल कोई एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम्स है, प्रिपरेशन करने में जो है आपको डर लग रहा है, या तो ऐसा फील हो रहा है कम हो रही है, ऐसी जो परिस्थितियाँ होती है, या तो लाइफ में कोई भी ऐसा कोई डिस्टरबेंस है, मेंटल ट्रॉमा है, बराबर है, सोशल डिस्टरबेंस है, तब जो है आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। यानी एट दैट टाइम इट इज़ द राइट टाइम टू गेट दैट पर्टिकुलर, बराबर है। मगर आजकल क्या हुआ है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द स्मार्टफोन एंड सोशल मीडिया जो है, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं उसके वीडियोज़ वगैरह जो होते हैं, ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज जो बहुत सारे जो है आते रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि लोग के पास इंटरनेट है, मोबाइल है, तो जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट, टाइम पास भी ये चीज़ होती है। जैसे हम लोग टाइम पास के लिए मूवी देखते हैं मोबाइल में, या तो कोई सीरियल देखते हैं, या कोई और शो देखते हैं, इसी तरह बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग जो है मोटिवेशनल वीडियोज़ वगैरह जो ऐसे ही देखते हैं। तो इस तरीके से आप जो है कभी मोटिवेट नहीं हो सकते। इसका कारण ये है कि यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर टू गेट दैट मोटिवेशन, एंड व्हाट द पर्सन एज ए मोटिवेटर टेलिंग यू टू डू। तो इस परिस्थिति में जो है आप कितना भी सुनेंगे, बराबर है, एक कान से गया और दूसरे कान से निकल गया, आपको शायद एक दो बार याद रहेगा, मगर बाद में क्या होगा कि आप जो है भूल जाएंगे, फिर दूसरे मोटिवेटर को आप सुनेंगे, फिर तीसरे मोटिवेटर को सुनेंगे, फिर तो क्या होता है उसमें कंपटीशन हो जाती है, कंपैरिजन हो जाती है कि उसने जो बताया था इससे इसने बेहतर बताया है, या तो इसने बेहतर बताया। दोस्तों, इस तरीके से जो होता है कि इसमें जो है आप जजमेंटल हो जाते हैं, ठीक है, आप एज ए रिसेप्टर बनना है आपको, कि भी आपको मैसेज लेना है और जीवन में उतारना है, उसकी जगह आप जज बन जाते हो, आप उसको जस्टिफाई करने लगते हो, क्रिटिसिज्म करने लगते हो। तो जब आप कोई चीज़ की क्रिटिसिज्म करने लगते हो तो वो चीज़ आप जीवन में नहीं उतार सकते। जब आप कोई चीज़ के क्रिटिक हो गए कि भाई ये ऐसा ऐसा है, आपका जो कोर पर्पस जो होता है वो घूम जाता है। इसलिए जो है आपको जो है आप चाहे तो भी जो है मोटिवेट नहीं हो पाते। और ये प्रॉब्लम आपका नहीं, सबका है। कभी कभी क्या होता है कि व्हेन यू आर स्पॉइल्ड विथ लॉट ऑफ चॉइस, बराबर है, तो ये चीज़ होती है। आप कोई सुपरमार्केट में जाए और आपको टॉयलेटरी सोप चाहिए, और वहाँ 50 ऑप्शन आपके पास है, अलग अलग ब्रांड्स है, तो आप नेचुरली कन्फ्यूज हो जाएंगे विच वन टू बाई, क्योंकि उसमें बहुत सारे सोप होंगे जो जिसकी प्राइस भी सेम होगी, पैकेजिंग भी सिमिलर लगेगी, उसकी जो ब्रांड प्रोमिस है वो भी सिमिलर लगेगी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतने सारे शॉप में से मैं कौन सा लूँ। अब यही चीज जो होती है वो मोटिवेशन के बारे में आज हो रही है। और हो गया है क्या कि एक दिन जो है एक मोटिवेटर को सुना, दूसरे दिन दूसरे को सुना, अरे भाई जितने भी मोटिवेटर है उसका अपना जो एक्सपीरियंस होता है, अपना बैकग्राउंड होता है, वो एक यूनिक होता है, उसकी जो स्टाइल ऑफ मोटिवेशन होती है कोई भी क्वेश्चन को एड्रेस करने की, वो यूनिक होती है, बराबर है। अब आप एक प्रॉब्लम है आपके जीवन में, जैसे कि मेंटल ट्रॉमा है, और आप जो है 10 अलग अलग मोटिवेटर की बात सुनते रहेंगे तो क्या होगा, एक एक तरीके से समझेगा, दूसरा आदमी दूसरे तरीके से समझेगा, दूसरा के लेवल ऑफ मोटिवेशन जो होता है, टारगेटेड ऑडियंस जो होता है, वो सारे के सारे मोटिवेटर का अलग होता है। तो ये सब कुछ जो है बिना जाने आप कोई भी जो है मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, तो इसमें भी ऐसा होता है कि आपको जो है एक बार अच्छा लगता है, मगर आप जीवन में ये चीज़ जो है प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि मोटिवेशन की बात आती है तो जो लोग जो स्पीकर्स जो है वो क्या खुद थिंकर है, उसका कोई जो है एक्सपीरियंस बैकग्राउंड है, वो भी जो है सबसे मायने रखता है। अगर आप कोई बंदा जो है आपको जो है हाई जंप के बारे में मोटिवेट करना चाहता है, और आपकी भी ये ज़रूरत है कि आप ऐसी कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो हाई जंप के लिए, और आपको मोटिवेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो अगर वो बंदा जो है वो वैसा कोई पास्ट एक्सपीरियंस उसके पास हो हाई जंप का, और उसने कोई ऐसी चैलेंज जो है ली हो, और उसमें से अगर वो जो है सक्सेसफुली बाहर निकला हो,
और अगर आपको वो गाइडेंस दे तो उसकी इफेक्ट जो है वो ज्यादा होती है। मगर आज जो है कि जैसे कि मोटिवेशन फील्ड है, बिजनेस कोचिंग होता है, ब्रांड गुरु, बहुत सारे ऐसे लोग भी है कि भाई आज जो है इसका ट्रेंड चल रहा है, ऑनलाइन ये बूमिंग एरिया है, बराबर डोमेन है, तो चलो ये चीज करते हैं। तो ऐसे लोग जो है तो अल्टीमेटली दे प्रूव देमसेल्फ एज ए एंटरटेनर एंड नॉट द पर्सन हु कैन मोटिवेट यू। ओके, हु कैन अल्टर योर थिंकिंग, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बदलने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो आप जब भी जो है आपको मोटिवेशन की बात आती है तो आप जो है बहुत जल्दी ना करें, और दूसरा कि एक से ज्यादा मोटिवेटर को रोज अलग अलग जो मोटिवेटर है उसकी बातें सुनने में जो है आप एंगेज ना हो। पहले आप ध्यान से सिलेक्ट करिए कि कौन सा मोटिवेटर जो है उसकी बात आपको ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है, या तो आपकी जो कंसर्न्स है उसको वो एड्रेस कर सकती है, उसकी भाषा कि भी आप कभी भी जो मोटिवेशन की बात होती है ना, तो जो चीज जो भाषा आप बेस्ट समझते हैं ना उसमें ही मोटिवेशन ले। ऐसा नहीं है कि कोई इंग्लिश में जो है इंटरनेशनल स्पीकर मोटिवेट कर रहा है तो वो अच्छा है, और हिंदी में या गुजराती में या पंजाबी में बोल रहे हैं ना तो उसका एक्सपीरियंस इतना नहीं होगा। जो भाषा आप सही तरीके से समझते हैं उसी भाषा में जो है आप मोटिवेशन जो है लेना पसंद करें, ये मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। ठीक है, डोंट गो फॉर यू नो इंटरनेशनल स्पीकर ब्लाइंडली इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश प्रॉपरली। ओके, नाउ डोंट गो फॉर दैट। आपको हिंदी में समझ आता है तो ऐसा स्पीकर ढूंढिए जो हिंदी में बताता है आपको, ठीक है, उसकी भाषा और आपकी भाषा में जो है डिफरेंस नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हो। क्योंकि जब मोटिवेशन की बात आती है तो छोटी छोटी डिटेल जो होती है ना बात में, एक एक शब्द जो है ना वो मैटर करता है, ठीक है, तो अगर वो छूट जाता है ना तो आपके लिए जो है ना डिस्टिंग्विश करना जो है ना कि भाई कौन सी चीज जो है आप सोच रहे हो और कौन सी चीज जो है अलग तरीके से सामने वाला आपको बता रहा है, वो आप जो डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसमें जो होता है ना अटेंशन टू फाइनल डिटेल्स जो है सबसे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। वो कोई ऐसा नहीं है कि टाइम पास की चीज है कि आपने चलो कि खाली बैठे हैं या तो अपसेट है तो आपने कोई आपके पसंदीदा गाने सुन लिए, वो जो है वो चीज पूरी अलग है। और वो चीज क्या है, जब तक आप वो सुनते हैं तब तक जो है आप जो है पूरा उसमें रत रहते हो और आप एंजॉय करते हो, मगर जैसे ही वो चीज बंद हो जाती है फिर से आप अपनी जो है ट्रबल्ड एरियाज जो है बराबर है वो सब्जेक्ट जो दिमाग में चल रहे हैं उसमें आप घुस जाते हैं। तो ऐसा ना करिए, ठीक है। और कभी भी जो है मोटिवेशन की बात हो तो कोई बुक हो या तो कोई भी लेक्चर हो, ठीक है, कोई भी स्पीकर हो जो आपको टेलीविजन में या तो इंटरनेट के ऊपर जो है यूट्यूब या कोई भी दूसरे जो वीडियो के तौर पर आपको मिलता है तो सिर्फ सुनने के लिए कोई भी मत सुने, ठीक है। बहुत बार पास्ट में मेरे यंग डेज में भी मैंने ये गलती की है, और उसमें से ही मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई ये मोटिवेटर जो है, ये बंदा जो थिंकर है ना, उसकी बात जो है मुझे अपील करती है, मेरी मेंटालिटी को सेट करती है, उसकी भाषा में समझ सकता हूँ, मेरी प्रॉब्लम जो है उसकी चीज में जो है उसका जो गाइडेंस में रिफ्लेक्ट करती है। तो ऐसे ऐसे जैसे मैं समझ गया तो मुझे जो आसानी हुई, और मैं धीरे धीरे मैंने वो जो है सेग्रीगेट कर दिया, इसको समझ लिया कि भाई ये स्पीकर मेरे लिए सही है, ये नहीं है, ये बंदा जो है मुझे बता रहा है तो वो खुद थिंकर है, उसके पास जो इस तरीके से एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर वो जो है मुझे वो मोटिवेट करना चाहता है। तो वो सब मुझे धीरे धीरे आइडिया आया, और मैंने भी जो है अपने प्रॉब्लम्स जो है, सबके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें से मैं बाहर निकला, ठीक है, या तो बाहर निकलता हूँ कभी भी, ठीक है। तो ये जो चीज़ जो है आपके लिए बहुत जरूरी है, और इस तरीके से आप जो है मोटिवेशन लेना पसंद करें। आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो लाइक दीजिए, मेरी वीडियो शेयर कीजिए और मेरी चैनल जो है फॉलो कीजिए। धन्यवाद।